हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और अभी बज गया 10। सामने से बंदा मुझे खतरनाक तरीके से देख के हंस रहा है। और 10 बजे हैं, आज की छुट्टी है सबसे पहले बता दूं। और ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी आज का खाना है वो खुद मुझे बनाना है, तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनाएंगे। ब्रेकफास्ट में मुझे चाहिए ब्लू बेरीज जो यहाँ पर हैं, और साथ में मैं लूँगा योगर्ट। योगर्ट देखनी पड़ेगी कि इतनी है कि नहीं है। तो योगर्ट है, इनको मिक्सअप करेंगे, साथ में थोड़े वो ड्राई फ्रूट डालेंगे और करेंगे फटाफट से ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे मोनिका की चाय बन रही है ऑलरेडी, यहाँ पे खिचड़ी बन रही है, ये टोस्ट बन रहा है यहाँ पे, वो भाई साहब ऑलरेडी खाना खा चुके हैं। तो गाइस, ये अपना ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, और चम्मच में साथ में लेके गया, उसके अंदर चम्मच ऑलरेडी है। जो मेरी मेरे ऊपर भरोसा करती है हमेशा, कह रही है कैरी की इसको खाने के लिए चम्मच भी जरूरी होते हैं, लेकिन चम्मच इसके अंदर ऑलरेडी है। जो यहाँ पे है 150 ग्राम दही और 50 ग्राम बेरीज और कुछ ड्राई फ्रूट्स, तो ये बहुत ही बैलेंस डाइट है। यदि आपको चाहिए, आपको पता अपने यदि बॉडी वगैरह अच्छी बनानी है, मेरे जैसी बैठे हैं, अगर वैसा खाना है तो ऐसी बॉडी बनती है। हाँ, बस ऐसी किसी को नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। ऐसी बॉडी मुझे नहीं लगता आप में से किसी को चाहिए, बट फिर भी चाहिए तो वैसा खाना खा सकते हैं। मेरे जैसी चाहिए तो ऐसा खाना खा सकते हैं। लुक, देयर इज नो टमी, तो बहुत ही बढ़िया है। अभी बना रहे हैं फिजिक, फट से ब्रेकफास्ट करते हैं गाइज, और उसके बाद हम जाएंगे मोनिका को काम पे ड्रॉप करने, फिर हम जाएंगे लेक पे चक्कर मारने। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है आज बाहर, बाहर का वेदर आपको मैं दिखाऊँ अभी, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है, बहुत ही हवा चल रही है, बहुत जोर से हवा चल रही है। तो मेरे पीछे देखो बहुत ज़्यादा पेड़ कैसे हिल रहे हैं। रेडी हो गया काम के लिए? हाँ। रेडी तो नहीं लग रहा आज, ऐसे लग रहा है जैसे नहाया नहीं। कर रहे हैं आप, बोल रहे हो बाहर ठंड है, कहाँ ठंड है, मेरे को तो नहीं भाई। ये यहाँ का, यहाँ की पैदाई से ये गोरा है, ठीक है, ऐसा उल्टा होता है हमेशा। जिस दिन बाहर गर्मी होती है ना, उस दिन तो कहता है वो ठंड हो रखी है, जिस दिन ठंड होती है उस दिन ऐसे कहता है वो गर्मी हो रखी है। भाभी, आपको बाहर ठंड लग रही है? बादल हवा बहुत तेज चल रही है, ठंड ठंड तो नहीं है, ठीक है। बस यही बात कहना चाहता हूँ, ठंड नहीं है, हवा तेज चल रही है। तो भाई जब हवा तेज चलती है तो ठंड भी होती है, ठंड है। अगर गर्मी भी है ना तो आपको सारे वही कपड़े पहनने पड़ेंगे जो आप ठंड में पहनने के चाहते हो। That's it, that's it. और मुझे वो जैकेट, इतनी भारी भारी जैकेट पहन के जाने का कोई शौक नहीं है। तुझे शौक है भारी भारी जैकेट पहन के जाने का? बिल्कुल। तो तू आके चला जी। क्या गाड़ी का क्लीन कराओ? गाड़ी क्लीन ही लग रही है मेरे को तो। मुझे भी साफ लग रही है। अच्छा नीचे से? हाँ यार, नीचे से गंदी हो रखी है। यो यस, लुक एट दिस, ये देख लो भाई कितनी गंदी। तो गाइस, अब हम ले आए हैं जूस मोनिका को ड्रॉप करके, ये देखो कैसे पिए जा रहा है भाई साहब। मौज मौज कर दी भाई, मेरे कप में भी डाल दे फटाफट। ये है एप्पल, बीटरूट और क्या इसमें? पाइनएप्पल। एप्पल, पाइनएप्पल, बीटरूट, मिंट। मिंट, लेट मी टेस्ट इट। मौज करती हूं, सही करवाना मैंने आज ये। तो गाइस, ये पी के फटाफट चलते हैं घर, उसके बाद देखेंगे क्या प्लान बनेगा। आज हम दोनों भाइयों की छुट्टी है, मजे कर रहे हैं हम। हैं, बारिश आ गई, बारिश आ गई है थोड़ी थोड़ी। घर जाके कुकिंग करते हैं, कुछ बढ़िया सा बनाने हैं। क्या बनाने का मन है घर जाके? घर जाके बनाएंगे बकरा। बकरा, तेरे को पता है ना अपनी किचन में बकरा और बनाना अलाउड नहीं है। मोनिका आ गई तो जब तक भाभी जाएंगे ना तब तक तो बकरे का गोबर चुका होगा। तो गाइस, यहाँ पे यहाँ से हम लेंगे बकरा, यहाँ पे कोई दुकान है? वैसे गाइस, मैं वेजिटेरियन हूँ, सिर्फ एग्स खाता हूँ, एग्स वाला वेजिटेरियन हूँ। एग्स वाला कोई वेजिटेरियन नहीं होता। अच्छा, फिर जो भी हूँ, मतलब कि एगिटेरियन बोलते हैं उसको, ठीक है? आधा 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 वो हूँ वैसे बोलते हैं। आधा वेजिटेरियन, आधा वेजिटेरियन, एगिटेरियन बोलते हैं ना वैसे। मैं एगिटेरियन हूँ गाइस, ये भाई साहब है प्योर नॉन वेजिटेरियन है। प्योर नहीं, हाफ हाफ, आधा नॉन, वो वेज भी खाता। अच्छा, वेज भी खाता है? हाँ, प्योर नहीं। हाँ यार, सही बात है। तो हाफ वेजिटेरियन हाफ नॉन वेजिटेरियन। तो गाइस, मैंगो हमने ले लिया है, पपीता ले लिया है, आज यहाँ से कुछ ना कुछ बाय करेंगे। कौन सा होता बकरा इनमें, कहाँ पे है ये बता, तेरे को देख के पता लग जाएगा। क्या क्या बकरा कहाँ पे इनमें? दिस इज गोट इनके लिए। तो गाइस, अभी का सीन ये है कि अभी मैं आ गया हूँ गाड़ी में, अभी जा रहा हूँ मोनिका को पिक करने, वहाँ से मोनिका को पिक करके फिर जाएंगे हम कॉस्को। कॉस्को से थोड़ा सा कुछ ग्रोसरी वगैरह का सामान लेना है, कुछ खाने पीने का लेना है। कॉस्को नॉर्मली हम वीक में एक बार या कभी कभार दो वीक में एक बार जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा दूर पड़ता है घर से। लेकिन अभी जब मैं मोनिका को पिक करने जा रहा हूँ वॉर्डन, तो वहाँ से तो काफ़ी पास में पड़ेगा,
तो उस साइड जाता हूँ तो फिर वहाँ पे चले जाएंगे, थोड़ा सामान वहाँ पे सस्ता मिलता है। ठीक है गाइस, फटाफट से चलते हैं और आपको दिखाते हैं कोस्को का नज़ारा। तो गाइस अभी मैं मोनिका की वेट कर रहा हूँ, बाहर गेट पे आने वाली है। और अभी मैं ये सोच रहा था कि यार ये मेरा तीसरा कंटिन्यूसली व्लॉग है, जो डेली व्लॉग 30 डेज का जो मैंने चैलेंज लिया है, तीसरा व्लॉग कंटिन्यूसली है। और कभी कभी मुझे बीच बीच में बड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ मैं बना रहा हूँ, मैं बना सकता हूँ। कभी कभी मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि पता नहीं मैं बना पाऊँगा कि नहीं बना पाऊँगा, पता नहीं मैं दिखा रहा हूँ ये सही दिखा रहा हूँ, पता नहीं मैं बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। अब शाम के बज चुके हैं 6:30, और अब हमारी मीटिंग कह रहा हूँ, अब हमारा जो शाम का जो सेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? वॉक करने जा रहे हैं। वॉक करने कहाँ? लेक पे। और कहाँ जाएंगे? लेक पे जाएंगे यार, सुबह दिन में बहुत ज्यादा ठंड थी इसलिए मैं नहीं गया इसके साथ में वॉक करने, लेकिन शाम को अभी जैसे मोनिका ने बोला मुझे वॉक पे जाने के लिए, तो अभी वेदर थोड़ा सा हल्का सा गर्म हो गया, क्योंकि दिन में ज्यादा ठंड होती है, शाम को कम ठंड होती है यहाँ पे। जैसे अंधेरा जाता है तो ठंड थोड़ी सी कम हो जाती है। बना हुआ देखिए कैसे रावण की तरह हंस रहा है। हाँ, क्योंकि बादल आ गए ना, दिन में बादल थे लेकिन मौसम रात को गर्म होता है, दोपहर को गर्म होता है। भाई आप लोग कमेंट करके बता दो दोपहर में ज्यादा मौसम गर्म होता है कि शाम को होता है। जो भी दो सब्सक्राइबर है ना वो प्लीज बता दो। आज दो है लेकिन ये लोग कभी ना कभी मिलियन लोगों के पास जाएगा। चलो मास्क लगा लिए सबने? मास्क डन वेर इज वेर। तो गाइस जब हम यहाँ पे वॉक करने आए हमने देखा कि देखो कितने अच्छे अच्छे फूल आ रखे हैं। ये ना सेब का पेड़ है, और पहले ऐसे छोटे छोटे आते हैं, इतने छोटे छोटे, फिर धीरे धीरे ये ऐसे बड़े बड़े बन जाते हैं, फिर धीरे धीरे ये फूल बन जाते हैं। और इस पर है ना थोड़े बहुत दिन में बहुत अच्छे अच्छे सेब लग जाएंगे। ये ग्रीन सेब का पेड़ होता है, ग्रीन वाले जो ग्रीन कलर के जो सेब होते हैं ना वो वाले। ये देखो लाइट का जुगाड़ कैसे किया हुआ है यहाँ पे, लाइट मैन यहाँ रखा हुआ है। व्लॉगरन की जिंदगी बड़ी खतरनाक है भाई। हाँ, व्लॉगिंग में ऐसा करना पड़ता है ना, है ना लड्डू। तो गाइस जैसा कि हमने आपको दिन में दिखाया था, यहाँ पे साइड में लेक है, और लेक के ऊपर देखो ये बढ़िया सा चांद, और लेक के पानी में से रिफ्लेक्शन आता हुआ। इतना बढ़िया दिख नहीं रहा, मेरे पास इतना कोई खास कैमरा नहीं है, सिर्फ आईफोन 12 मिनी है। तो यार काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई, बहुत मज़े आ रहे हैं यहाँ पे। और यार आईफोन 13 में देखो भाई, ओ माय गॉड लुक एट दैट। मुझे तो लगता है 13 ले लेना चाहिए, 13 प्रो की क्वालिटी देखो और ये देखो आईफोन 12 मिनी की क्वालिटी, कितना डिफरेंस है ना। तो गाइज अभी बज चुके हैं 12:30, हम 8 बजे से मैच देखने में लगे हुए हैं। अभी अगला मैच और आना है तो 1 बजे शायद हम सोएंगे, आज 4:30 बजे। अभी भी एक भूखा बंदा किचन में कुछ खाने के लिए गया हुआ है, और जब हम घर पे आए उसके बाद में हम वॉक करके आए तो व्लॉग बनाने का कोई टाइम ही नहीं लगा, याद ही नहीं रहा एक्चुअल में। तो अभी मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना। सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही आप अगले व्लॉग में, अगले कल के व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।